प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। भाजपा हो या कांग्रेस, सभी दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, साथ ही साथ जनता के बीच पहुंचकर उन्हें अपनी साइड करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में 40 साल से अधिक के राजनीतिक अनुभव के साथ कमलनाथ इस बार फिर से कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। कमलनाथ विधानसभा चुनावों में 5 साल में दूसरी बार भाजपा के सामने होंगे। वहीं भाजपा पीएम मोदी को मुख्य चेहरे के रूप में पेश कर रही है। अब कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस का भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीधा मुकाबला होगा। इस बार भाजपा ने अपने सीएम कैंडिडेट का नाम अब तक घोषित नहीं किया है। कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश शासन में कई घोटालों, भ्रष्टाचार, महिलाओं और कमजोर वर्ग के लोगों के खिलाफ बढ़ते अपराध के कारण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार किया जा रहा है, इसलिए इस बार सीएम उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया गया। वही बात करें चुनावी मुद्दों की, तो इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस वही फॉर्मूला अपना रही है जो कर्नाटक में अपनाया। भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार में डूबे होने का आरोप लगाने का, वहीं पटवारी एग्जाम में जो हेर फेर हुई उसे लेकर बेरोजगारी को भी मुद्दा बनाया जा रहा है। साथ ही साथ जातिवाद को लेकर जो पहले मुद्दा उछल चुका है उसे भी कांग्रेस अब तूल दे रही है, और अब उज्जैन में रेप के बाद महिला सुरक्षा को लेकर भी कांग्रेस भाजपा को घेर रही है। बस एक ही स्कीम है जो भाजपा के लिए संजीवनी बूटी साबित हो सकती है, लाडली बहना योजना। इस योजना के तहत शिवराज सिंह चौहान सरकार ने 23 से 60 साल तक की महिलाओं के खाते में पैसे देने भी शुरू कर दिया है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि ये योजना शिवराज सिंह चौहान की सरकार के लिए कितनी लाभदायक होगी। बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 109 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 114 सीटें आई थी। भाजपा का वोट प्रतिशत 41.02 था, वहीं कांग्रेस को 40.89% वोट मिले। लेकिन मामला तब उलट गया जब संख्या बल के आधार पर मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ कमलनाथ की सरकार बनी। हालांकि बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए, जिस वजह से कमलनाथ सरकार गिर गई और एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए थे। बाकी इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, आपको क्या लगता है कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए लोकमत हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।